हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ स्टडी। सी, शिक्षा एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ लाइफ है, देर इज लाइफ हियर। बट व्हाट हैपेंस, बहुत पेरेंट्स देखते हैं बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग। तो व्हाट यू थिंक, व्हाई ही इज नॉट रीडिंग? अरे पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग? क्यों नहीं पढ़ते हो? ऐसे बोलने से काम नहीं होगा भाई, दिस वर्क विल नॉट बी डन। या क्यों? कि उनमें इंटरेस्ट पढ़ने के लिए क्रिएट करना पड़ता है। ये किसका ड्यूटी है? ये ड्यूटी टीचर्स का है, और पेरेंट्स का है, और समाज का है, तीनों का है, राइट? देखो मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? लेकिन कोई दिमाग से काम करता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चा लोगों को प्रेशर दे देते हैं, तो प्रेशर देने से क्या होता है, उन लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये सोचना है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बच्चे में पढ़ने का, जो पढ़ने का इंटरेस्ट क्रिएट करना, उसका तरीका क्या है, उसमें ध्यान देना है, राइट? उसको छोड़ के गाली देने से काम नहीं होगा। इफ यू प्रेशराइज द स्टूडेंट्स, द वर्क कैन नॉट बी डन। वी आर मेकिंग दिस बिग मिस्टेक। पढ़ो पढ़ो, अरे क्यों नहीं पढ़ते हो रे? ये भूल तरीका है। अगर क्या करना है, देखो ये तो एक प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसमें फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों है, दोनों पे ट्रस्ट देना चाहिए। ऑफिशियल एजुकेशन मीन्स करिकुलम वाइज टाइम टेबल, स्कूल गोइंग, रीडिंग, ये सब एक टाइम टेबल वाइज, और एक दूसरा चलते फिरते सीखना है, ये भी शिक्षा ही है। दोनों एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मैंने देखा है जिसका पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अच्छा रोजगार करके परिवार के साथ खुशी में बैठ रहा है, और जिसने BA, MA, MSc, MPhil, BTech, MTech किया हुआ है वो एनिमल की तरह दिन रात काम करता है। पापा बुलाता है, बेटा थोड़ा आना, मेरा पास टाइम नहीं है। माँ बुलाता है, बेटा थोड़ा सुनना, ना मेरा पास टाइम नहीं है। क्या जिंदगी है! ऐसे एजुकेशन लेके बैठने से एजुकेशन ना लेना अच्छा है। नॉन सर्टिफाइड कोर्सेस है, यू मस्ट गो, यू मस्ट मेक योर लाइफ बाय एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट ओनली द फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन भी है। जैसे कि एक बच्चा हीरो होंडा शोरूम में काम करके हर दिन 1000 रुपया, 2000 रुपया कमाता है, और एक PhD करके हर दिन 1000। फर्क कुछ नहीं है। ये बेचा, ये जो बच्चा है हीरो होंडा शोरूम में काम कर रहा है वो अच्छा है, उसका बिहेवियर, उसका पास प्राउड ये सब नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, और ये बच्चा इतना बिजी दिखाता है। देखो दोनों में एजुकेशन है, लेकिन फर्क क्या है? एजुकेशन बच्चों में हमें प्रोड्यूस करना है। वी हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन इन द स्टूडेंट्स। हाउ दिस कैन बी डन इज ए बिग क्वेश्चन, बाकी सब वेस्ट है। ऐसे बच्चा में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा करोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? पेरेंट्स का है, टीचर का है, सोसाइटी का है। लेकिन हम क्या देते हैं? प्रेशर, वो ही प्रॉब्लम। देखो हाउ लॉन्ग ए टीचर स्टे एट स्कूल नाउ इट इज 8 आवर्स मैक्सिमम, एंड द स्टूडेंट स्टेज 8 आवर्स विद द स्टूडेंट, बट रेस्ट एंटायर डे हैज 24 आवर्स। बाकी सब वक्त वो घर में रहता है पेरेंट्स के साथ। एक बच्चा कितना वक्त टीचर का साथ बिता रहा है, पेरेंट का साथ बिता रहा है, समाज का साथ बिता रहा है, इसको कैलकुलेशन करना, राइट? एंड उसके बाद वो देखो, अब देखो बच्चा पढ़ने के लिए इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है, इसको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो छुपना शुरू कर देगा। क्लास में छुपेगा पीछे बैठ के, घर में छुपेगा, जिस रूम में पिताजी होंगे उस रूम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे बच्चा पढ़ रहे हो कि नहीं, पढ़ो। लेकिन वो करेगा क्या? कैसे उसमें इंटरेस्ट लाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको हल करने से प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगा, लेकिन
इतना प्रेशर में बुक्स, सिलेबस, टीचर्स का प्रेशर, स्कूल्स का प्रेशर। स्कूल सब तो काम कर रहे हैं आजकल, कैसे काम कर रहे हैं आप सबको पता है। ठीक है, तो हम भी कुछ वक्त बच्चों के लिए देना है। आखिर बच्चा किसका है? आपका है। तो वो पढ़ नहीं रहा है तो तुम्हें पहला सवाल करना है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम को पकड़ लोगे तो सॉल्यूशन खुद ना खुद मिल जाएगा। थोड़ा वक्त होगा, लेना पड़ेगा। हमारा जिंदगी का कुछ वक्त हमारा बच्चों के लिए अगर नहीं देंगे तो किसके देंगे? सोचो सोचो ठीक से, करना क्या है बच्चों में पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। प्रॉब्लम तो ये है कि हम पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं, स्कूल में टीचर उनका काम में बिजी हो जाते हैं, कुछ पढ़ा देते हैं चला जाते हैं। समाज तो आजकल बहुत रश से दौड़ रहा है, किसका पास वक्त नहीं है बेटा, ये क्या कर रहा हो, ये करो वो करो बोलने के लिए। ठीक है, और हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों हम निभा नहीं रहे? पहले रॉन्ग हमारा है, उसके बाद कोर्सेस जो है, सिलेबस जो है वो भी हैवी हो जा रहा है। वो उसको कैसे ट्रिक और टेक्निक से सिलेबस कवर करना है वो नहीं बताते हैं। लेसन का जो सारांश है, समरी है, वो बता देते हैं। यही प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। और बच्चों को पढ़ने के लिए जो उत्साह देना है वो नहीं देते हैं जो चाहिए। वो लेसन नोट्स दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, इसमें क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। बच्चा अगर थोड़ा बहुत समझने में शुरू कर देगा, ये हाल है, उसको समझाने के लिए चैप्टर, लेसन, ग्रामर जो भी है, विषय वस्तु समझाने के लिए पहले कोशिश करना है। वो थोड़ा थोड़ा समझ में जब आएगा, वो क्लास का फर्स्ट बेंच में बैठने के लिए इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये कोशिश हर हर टीचर को, हर पेरेंट को, हर गार्डियन को जरूर करना है। देखो, मेरा 30 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, मैं करीब से स्टूडेंट्स को देखा है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम को खुद झेला है, तब मुझे पता चला है कि ये स्टूडेंट जो है ये पढ़ने के लिए इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है, कारण क्या है। पकड़ लिया कारण को, ढूंढ लिया सोल्यूशन, तब उसको पास में बुला के धीरे धीरे बताया है, देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये है ना, थोड़ा ऐसे ऐसे करना, ये हाल हो जाएगा। देखो 1 महीने 2 महीने में तुम ये कर सकते हो, पॉजिटिव थॉट्स दिया है, डाल दिया है उसका ब्रेन में। तो धीरे धीरे वो सोचने लगा है कि सर हाँ ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा कोशिश करूंगा। फिर वो कोशिश कर, वो मैं 10th क्लास का बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, वो +2 और इंटर स्टूडेंट्स है, डिग्री स्टूडेंट हो तो ज्यादा समझदार है। लेकिन 8th क्लास से हमको बहुत ध्यान देना है बच्चे का ऊपर। 7th 8th से अगर बिगड़ गया तो काम नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन हमको थोड़ा टच लेना पड़ेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर कोई भी पेरेंट इसे देख रहा है तो दूसरे को प्लीज शेयर। वो बच्चे को डांटेंगे नहीं, बच्चों को समझाएंगे कि कैसे करने से इंटरेस्ट आएगा स्टडीज में। अगर इंटरेस्ट एक बार आ गया तो आपका काम खत्म, बाकी उसका शुरू हो जाएगा। आप आराम से बैठ के देखते रहना वो क्या कर रहा है, वो चेंज हो जाएगा, उसका लाइफ चेंज हो जाएगा, आप खुशी में रहेंगे, आपका समाज खुशी में रहेगा। और आपको कुछ चाहिए उसके बाद? नहीं चाहिए तो इतना खुशी पाने के लिए थोड़ा तो कष्ट उठाना है। मैं ऐसे समझता हूँ, आप कैसे समझते हो मुझे पता नहीं। ओके, थोड़ा कोशिश करना कि बच्चा को पढ़ने में क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्या करने से इंटरेस्ट आएगा, उसके साथ फ्रेंडली रहना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, डांटना नहीं है। प्लीज सोचो मैंने क्यों ये बोल रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बीच बीच में मैं कहता रहूँगा। ठीक है, मैं ये हिंदी का पहला, हिंदी भाषा में कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा हिंदी फ्लुएंसी नहीं है, इसीलिए मैंने हिंदी में नहीं करता था। अब समझा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इंडियन हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के लिए है, बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, इसीलिए वीडियो बनाया है। ओके प्लीज़।
Like and subscribe, share, and take care of your children. Your children are your prestige, your power, your strength, your everything, and power of the nation also. Thank you very much for watching.